वार्ड क्रमांक 12 में एक व्यक्ति पप्पू सिंह पिता मंगल सिंह का शव उसी के घर में मिला, जिसे मोहल्ले वालों ने सुबह 8 बजे देखा और जगाने की कोशिश की, पर उसके कुछ ना बोलने पर मोहल्ले में अफरा तफरी मच गई। वहीं मोहल्ले के रहने वाले लोगों ने वार्ड पार्षद श्रीमती अंजू पटेल, नगर पालिका परिषद पाली उपाध्यक्ष राजू पटेल को बुलाकर सारी बातें बताईं। उस पर उन्होंने थाने में सूचना दी, जिस पर पुलिस ने पंचनामा कर नगर पालिका परिषद के शव वाहन की व्यवस्था करवाई, जिसमें शव को पाली शासकीय हॉस्पिटल में पीएम पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम होने के बाद स्वर्गवासी पप्पू सिंह पिता मंगल सिंह का शव मोहल्ले के लोगों को सौंप कर पुलिस निगरानी में शमशान घाट में दफन करा दिया गया। घर के सभी सदस्य मुंबई में मजदूरी करते हैं, जिस कारण वो नहीं आ पाए और उनके घर वालों के कहने से अंतिम संस्कार करा दिया गया। ये आप ये इस मोहल्ले वार्ड नंबर 13 के रहने, 12 है कि 13 है, 12 के रहने वाले। हाँ। क्या नाम भैया आपका? रोशन नारंग। रोशन नारंग, तो ये यहाँ पे जैसे डेथ हो गई जो, तो वो आपको क्या मतलब इसमें आप लोगों को पता चला कैसे डेथ हो गई? हमको सवेरे पता चला कि किसी ने बोला कि इनकी मृत्यु हो चुकी है। अच्छा। क्योंकि दोपहर को खाना पीना दिया गया रहा, तो आवाज भी दिया रहा कि हाँ मां। अच्छा। बगल वाले मोहल्ले के भाई राजा है हमारे मोहल्ला का। हाँ हाँ जी जी। तो हम लोग उसके घर परिवार में कोई नहीं है, उसके परिवार में बात करे तो वो बोले कि आपको जैसा अच्छा लगे अपने आप करवा दीजिए उसको। तो घर में कोई नहीं, तो अग्नि तो कोई दे नहीं सकता, तो हम बस वही सब मोहल्ले वाले मिलके उसकी मिट्टी दी जा रही है ना। पार्षद वगैरह को किसको? पार्षद अपना हमारे उपाध्यक्ष राजेश पटेल जी आए रहे और हमारे उनके माध्यम से और हमारे मोहल्ला के जो सियान बुजुर्ग हैं सब मिलके। अच्छा। उसी हिसाब से हम मट्टी। और इस मोहल्ले के पार्षद आए थे वो भी? हाँ, इस मोहल्ले के पार्षद। कौन है पार्षद इस मोहल्ले के? अपने अंजू पटेल जी। अंजू पटेल ये सब जी। और उपाध्यक्ष? उपाध्यक्ष भी आए थे वो भी आए। राजेश पटेल। राजेश पटेल जी, ठीक है भैया, थैंक यू।